हेलो फ्रेंड्स, ये 15-20 दिन पहले हमने पौधे मंगवाए थे केले के, आज हम इन्हें ज़मीन में लगाएंगे। वैसे आप जो भी पौधे मंगवाते हैं नर्सरी से लेके आते हैं, उनको आते ही आप रिपोर्ट ना करें। 5 से 7 दिन तक उनको अपने घर के इन्वायरमेंट में ढलने दें, फिर उनको रिपोर्ट करें। चलिए इनको फार्म पे लगाते हैं, क्योंकि नर्सरी से लाते ही आप उसकी रिपोर्टिंग करते हैं तो प्लांट क्या होता है, स्ट्रेस में आ जाता है, क्योंकि वहाँ तो वो हज़ारों पौधों के बीच में रखा हुआ होता है और आप आते ही उसको अलग इन्वायरमेंट में ढाल देते हैं। तो ये आप चीज़ ध्यान में रखें। अब अच्छे से हम ज़मीन तैयार कर लेंगे और 5 से 7 दिन बहुत होते हैं, उसके बाद आप रिपोर्ट कर सकते हैं। इन केले के पौधों को तो 15-20 दिन इसलिए हो गए कि फार्म पे वर्मी कंपोस्ट की हार्वेस्टिंग, सीविंग और पैकिंग के काम में बिजी थे। आज थोड़ी फुर्सत मिली है तो आज इनकी हम प्लांटेशन करते हैं। अब इनमें क्या है, जैसे हमने ये तैयार कर लिए, गड्ढे वगैरह तैयार कर लिए, उनमें थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट डालेंगे हम। वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट डालते टाइम आप एक चीज़ ध्यान रखें कि इसकी मात्रा आप ज़्यादा ना डालें। कम डालेंगे तो नुकसान नहीं होगा, ज़्यादा डालेंगे तो नुकसान ना होना लाजमी है। और गर्मी, अभी गर्मी के ही दिन है, ज़्यादा बारिश अभी हुई नहीं है, तो गर्मियों के दिनों में खासकर आप इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि खाद से क्या होता है, हीट बनती है, और हीट से क्या होता है, अगर वो ज़्यादा बनेगी तो वो फ़ायदे की जगह नुकसान ज़्यादा करेगी। एक बार पौधा न्यू शूट्स निकालने लगे, अच्छी तरह उसकी जड़ की पकड़ होने लगे, तब आप वर्मी कंपोस्ट दोबारा डाल सकते हैं 15 से 20 दिन के अंतराल के बाद। अब हमें क्या करना है, जैसे अभी इसकी सोयल की कंसिस्टेंसी देखिए आप, बिल्कुल इसका लिक्विड फॉर्म में इसको करना है हमें। जब हम केले लगाते हैं और कोई प्लांट लगाते हैं तो तरीके दोनों के अलग अलग होते हैं, उनमें हम इतना पानी नहीं डालते। अब ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से इसकी मिट्टी कर लेनी है। ये देखिए कंसिस्टेंसी आपको नज़र आ रही है। चलिए अब इसमें हम लगाते हैं। ये देखिए ऐसे, ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए सोइल की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। और मान लो आप कई पौधे लगा रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 7 फीट से कम ना रखें। अब ये देखिए नेक्स्ट डे की वीडियो है, अभी तक स्वस्थ हैं प्लांट्स हमारे। आगे देखते हैं, ये देखिए, आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।